Hello students, today we are here with the next unit from your CBSE handbook support material class 12th applied maths. तो फर्स्ट यूनिट तो आप लोगों ने सबने कर लिया होगा, हमने सारी एक्सरसाइज बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट टू से जो एलजेब्रा है, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इससे। सो एलजेब्रा में आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आप क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर अप करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड रिलेटेड टर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देयर ऑपरेशंस एंड ऑल, राइट। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस। सो इसमें हमारे पास बहुत ईजी चैप्टर है, या वेटेज इसका बहुत अच्छा है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, और ये यूनिट में आप आराम से फुल स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से करेंगे। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं आपके लिए, करेक्ट। तो एक तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक डिलीटेड है, ये आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब हम करेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको कौन सा एक्सरसाइज है जिसको आप मत करिए, ठीक है। तो बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे वो हैं एग्जाम्स में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारा रो रिडक्शन मेथड नहीं है, ये भी नहीं है। सो दीज टू रूल्स आर डिलीटेड अगेन, करेक्ट। बाकी दोनों रूल्स हैं, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीटेड है दैट इज लेंथ ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल। सो दिस इज ऑल्सो डिलीटेड फॉर योर एग्जाम। सो दिस इज वॉट द सिलेबस इज, एंड नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर। तो पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है मैट्राइसिस, उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा माइंड मैप दिया हुआ है जिसमें हम को ये बताया गया है कि मैट्राइसिस में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इट। तो मैट्रिक्स में पहले सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स का इनवर्स, मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा में हाउ टू ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई देम एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, देन दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो आपको आनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑर्डर एलिमेंट, करेक्ट। सो ये जितना हमने अभी मार्क किया माइंड मैप में, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, करेक्ट, और सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगेन रिपीटेड, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट मैप नाउ। सो दिस इज फॉर द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए है। सो माइनस, को फैक्टर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इज डिलीटेड, सो नो नीड टू डू इट। सॉल्विंग सिस्टम, इनवर्स कोफिशिएंट मेथड, एडजॉइंट मेथड, क्रेमर्स रूल, एलिमेंट्री, तो इसमें से हमने अभी आपको बताया ये दो डिलीटेड है। तो हमारे पास एडजॉइंट मेथड है और क्रेमर्स रूल है, इसके अलावा हमारे पास कोई और मेथड नहीं है। सो टू मेथड्स वी हैव फॉर सॉल्विंग। तो चलिए मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज इट। तो चलिए बहुत सिंपल वे में आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स फंक्शंस का एक प्रॉपर पैटर्न में। वो पैटर्न क्या होता है, देखिए अभी इन्होंने जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। देखिए इसमें रोज बनती हैं, कितने लोग हैं, कॉलम्स बनते हैं वर्टिकल, राइट। सो सब आगे 10 रोज हैं तो पीछे भी आपके हर रो में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 1 1 1 इन ईच रो, 1 1 1 1 इन ईच रो, सो इन दिस वे इट विल गो ऑन। सो नाउ सेम वे अगर आप कहीं भी जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, ऑडिटोरियम्स में जाते हैं, तो चेयर्स पहले फर्स्ट रो होती है, फिर उसके पीछे दूसरी लाइन होती है, तो वही चीज़ मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स भी एक अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फंक्शंस, कुछ भी आपको नंबर्स के लिए है, आपको रियल नंबर्स के लिए है, तो किस में होता है वो अरेंज, रोज और कॉलम्स में नंबर्स अरेंज होते हैं, सिंपल सा वर्ड, करेक्ट। सो नाउ व्हाट वी हैव हियर, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे और टेबल ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, फंक्शंस। आपको हम मोस्टली नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अदरवाइज कुछ भी चीज़ अरेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है जरूरी कि सिर्फ नंबर्स अरेंज्ड हो, कॉलम्स और रोज में। तो रो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये याद रखिए। रो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट थिंक ऑफ अ सिनेमा हॉल, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, तो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, करेक्ट। और वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं। तो और दूसरी चीज़ क्या है, रेक्टेंगुलर एरे का क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है जैसे कि एक रेक्टेंगल होता है कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, करेक्ट। हो भी सकती है एक पल तो वो स्क्वायर बन जाएगा। सो अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल ही हुआ ना, और अगर वो इक्वल हो जाती है तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो
स्क्वायर विल बी अ पर्टिकुलर केस कि लेंथ और ब्रेथ क्या है हमारी इक्वल है, कि जितनी हमारे पास रोज है उतनी ही हमारे पास कॉलम्स भी हैं, बट एवरी केस में इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर हमें सपोज ये तीन नंबर्स हैं, देखिए अब हमें इसको अरेंज करना है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सिर्फ एक रो में भी लिख सकते हैं, करेक्ट, हम इसको सिर्फ एक कॉलम में भी लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट क्या है, दिस इज अ सिंबल फॉर मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स को हमेशा एनक्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में, ऑलवेज, कभी भी कोई नंबर्स एनक्लोज है इन अ पैटर्न और अरेंज इन अ पैटर्न इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स, करेक्ट। सो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें सिर्फ रो है, सेकेंड वाले में सिर्फ कॉलम है, बोथ आर मैट्रिक्स, करेक्ट। और ये जो 1, 3, -4 है इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। करेक्ट। नाउ अभी उन्होंने 6 लेटर्स लिए, ओके, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर यू, इसको भी अरेंज किया। अब इसमें कितनी रोज हैं, R1, R2 रोज हैं, ओके, R1, R2 से। कॉलम कितने हैं फर्स्ट वाले में, C1, C2, C3 तीन कॉलम हैं। सेकेंड अरेंजमेंट में R1, R2, R3 थ्री रोज हैं और टू कॉलम्स हैं, करेक्ट। सो मैट्रिक्स को आप कितनी भी रोज कॉलम में एडजस्ट कर सकते हैं, करेक्ट। सो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कैपिटल A से, और ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, AIJ, स्क्वायर ब्रैकेट तो सिंबल हो गया, व्हाट इज AIJ? AIJ डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, AIJ मतलब हर एलिमेंट को आप एक पोजीशन दे सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। I इज फॉर द रो एंड J इज फॉर द कॉलम, ओके। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब इस वाले मैट्रिक्स में कितने रोज दिख रहे हैं आपको, हॉरिजॉन्टल 3 रोज दिख रहे हैं, राइट, वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 है, वर्टिकल कितने हैं, 2 कॉलम, ओके। नाउ 2+i एक एलिमेंट है, ओके, सो 2+i का अगर मैं पोजीशन डिस्क्राइब करूं विद द हेल्प ऑफ AIJ तो क्या होगा, AI मतलब कौन से रो में है ये प्रेजेंट, 1, कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, 1, पहले रो का नंबर आता है, ये ध्यान रखिए, आई रो का नंबर डिनोट कर रहा है, जे कॉलम का नंबर डिनोट कर रहा है। अब 5 बताइए कौन सी रो में है, 1, कौन से कॉलम में है, 2, तो A12 पोजीशन हो, ये पोजीशन तो फिक्स है, बस एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे। अब -1 का बोलिए, -1 इज इन विच रो, 2, विच कॉलम, 1, 2 के विच रो एंड विच कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम, 4-2i विच रो एंड विच कॉलम, 3rd रो एंड 1st कॉलम, एंड 0 3rd रो एंड 2nd कॉलम, तो ये पोजीशन जो है ये फिक्स होती है, करेक्ट। तो अभी देखिए दिस इज व्हाट दे हैव आल्सो रिटन, करेक्ट। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो उनके जो पोजीशन है एलिमेंट्स की, A11, A12, A13 मतलब ये सब एक रो में 3 कॉलम्स, A21, A22, A23 सेकेंड रो में 3 कॉलम्स के एलिमेंट्स, A31, A32, A33 थर्ड रो में 3 C1, C2, C3 के एलिमेंट्स। तो ऐसे हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक, n रोज n कॉलम्स के लिए, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी मीन, सो पूरा डेफिनेशन जो हमारा मैट्रिक्स का बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं इन द रोज एंड कॉलम्स। अब ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमारा नेक्स्ट टर्म आता है मैट्रिक्स का, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, व्हाट डू वी कॉल, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम से हमें ऑर्डर मिलता है। अब इसका क्या मीनिंग है, अभी सपोज आपकी मैट्रिक्स में, अभी हमने जो ऊपर मैट्रिक्स किया, ठीक है, उसमें कितनी रोज थी, 3 रोज थी और 2 कॉलम्स थे, ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा, पहले लिखा जाता है टोटल रोज कितनी है, इनटू का साइन है बट इसको आप इनटू नहीं पढ़ते, इसको आप पढ़ते हैं बाय, और कितने कॉलम्स हैं, 2, सो व्हाट इज द ऑर्डर, 3/2,
थ्री बाई टू का मतलब थ्री रोज एंड टू कॉलम्स। तो इन टू क्यों लगा है मैम, थ्री इंटू टू का कोई सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल है। थ्री बाई टू पढ़ेंगे आप इसको, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? थ्री बाई टू ऑर्डर है, थ्री रोज और टू कॉलम्स। पहले रो का नंबर आएगा, टोटल कितनी रोज है, बाद में आएगा कॉलम का नंबर। अब इंटू क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए थ्री इंटू टू कितना होता है, सिक्स। और इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो जो ऑर्डर है हमारा, उसका जो प्रोडक्ट होता है नंबर्स का, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का, वो हमें देता है ऑलवेज टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। अभी आई टेक अनदर एग्जांपल। अभी देखिए ये मैट्रिक्स है फिर से, अब इसमें कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट करिए, तीन, ओके, आर वन आर टू आर थ्री। रोज कॉलम्स कितने हैं, दो। तो ऑर्डर क्या बन गया इसका, थ्री बाई टू। थ्री इंटू टू कितना होता है, सिक्स। टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए मैट्रिक्स में, सिक्स। टू फाइव माइनस वन टू फोर जीरो। सो दिस इज हाउ यू मेक इट। अभी ये बी मैट्रिक्स बताइए, कितने रोज दिख रहे हैं आपको, दो, करेक्ट। कॉलम्स कितने दिख रहे हैं आपको, लेट्स गो फॉर द कॉलम्स, करेक्ट। सो दो तीन, कितने, थ्री कॉलम्स दिख रहे हैं। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर, टू बाई थ्री। हाउ मेनी एलिमेंट्स अगेन, सिक्स। तो एलिमेंट्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ए आई जे हमें पोजिशन बताता है पहले कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस कॉलम और किस रो को बिलोंग कर रहा है, ओके। पहले हमेशा रो का नंबर चलता है एवरीवेयर। ए आई जे में भी पहला जो आई है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्डर में भी पहला नंबर जो है, जैसे इन्होंने यहाँ पे एम बाई एन लिया है, सो एम इज रोज, टोटल रोज, एन इज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, करेक्ट। सो दो द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन टेक एनी वैल्यू, बट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रियल वैल्यूज करने वाले हैं, दैट इज व्हाट आई आल्सो टोल्ड यू। हो किसी का भी अरेंजमेंट हो सकता है, बट हमारे लिए वी आर गोइंग टू टेक ओनली द नंबर्स, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो चलिए अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब आपको देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और आपको बोला गया है इसमें कि अरेंज इट इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। अब शलभ के पास थ्री बुक्स हैं, टू पेन्स हैं, थ्री नोटबुक्स हैं, और रश्मि के पास क्या है, वन पेन, फोर बुक्स एंड फाइव नोटबुक्स। अब आपको इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रखना है। तो दो लोग हैं हमारे पास, शलभ और रश्मि, बुक्स पेन्स और नोटबुक्स हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम शलभ और रश्मि के लिए क्या बना सकते हैं, कॉलम और रोज बना सकते हैं, और बुक्स पेन्स और नोटबुक्स के लिए हम कॉलम बना सकते हैं, एंड देन वी कैन पुट अवर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। सो हमारा मैट्रिक्स बन सकता है थ्री टू थ्री फोर वन फाइव। पहले रो किसके लिए है, शलभ के लिए है। दूसरी रो किसके लिए है, रश्मि के लिए है। कॉलम में फर्स्ट कॉलम बुक्स के लिए है, सेकेंड कॉलम पेन्स के लिए है, थर्ड कॉलम नोटबुक के लिए है। अब इसका ऑर्डर क्या बन जाता है बताइए, कितने रोज हैं, टू, और टू बाय थ्री, थ्री कॉलम्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे मैम हम ऐसे क्यों लें, हम उल्टा भी तो ले सकते हैं, हम बुक्स को, पेन्स को और नोटबुक्स को रोज बना देते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप, और शलभ को और रश्मि को हम कॉलम बना देते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं आप, वो भी करेक्ट है। तो बुक्स शलभ के पास कितनी है, थ्री, रश्मि के पास कितनी है, फोर, पेन्स कितने हैं, टू, वन, और हमारे पास नोटबुक्स कितनी है, शलभ के पास थ्री, करेक्ट, और रश्मि के पास कितनी नोटबुक्स हैं हमारे पास, फाइव। अब आप इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बन गया आपका। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, थ्री बाई टू। तो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, यस दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। देखिए पहले इन्होंने टू बाई थ्री से दिया है, बाद में इन्होंने थ्री बाई टू ऑर्डर से दिया है। सो दोनों केस में करेक्ट, दोनों केस में एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सिक्स ही आ रहा है, क्योंकि उतने ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अभी आप आगे जाएंगे तो आपको और केसेस पता लगेंगे कि अगर हमें आगे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर अस, ओके। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं अभी। नाउ राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विद वर्टाइसेस इन अ मैट्रिक्स फॉर्मेशन। अभी ट्रायंगल्स के उसको लेना है। तो अभी हमने तीन वर्ड
क्राइसिस होते हैं ए बी सी, और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 4 माइनस 1 3 2 2 एंड माइनस 4, तो इसका ऑर्डर कितना बन गया 3/2। अभी हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इसको ए बी सी को ऐसे ले लें, करेक्ट। तो हमारे पास कितनी रोज बनेंगी, 2 रोज बनेंगी, और कॉलम्स कितने बनेंगे, तब हमारे पास 3 कॉलम्स बनेंगे, एक ए का, एक बी का और एक सी का। तो ये आंसर भी करेक्ट 2/3 करेक्ट, क्योंकि अभी ये कुछ इन्होंने दिया नहीं है कि आपको इस टाइप का बनाना है, तो इसलिए हम किसी भी पॉसिबल ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल 3, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स, तो कितने ऑर्डर बन सकते हैं। अब आपको सिर्फ ये देखना है, हमने आपको क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इन द ऑर्डर गिव्स यू द टोटल एलिमेंट्स। तो यू हैव टू चेक द प्रोडक्ट ऑफ विच टू नेचुरल नंबर्स विल गिव यू 4। सिंपल ये चेक करना है। अब 1/4, 4/1, 2/2, इन्हीं का सम 4 होता है, तो ये 3 ऑर्डर पॉसिबल है। अब 1/4 का क्या मतलब है, 1 रो एंड 4 कॉलम्स। 1 रो का मतलब अगर मैं आपको सपोज 4 एलिमेंट्स दूं, 2, 3, 4, 5, इनको अरेंज करना है। सो 1 रो का मतलब 2, 3, 4, 5, ये बन गया। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 रो है हमारे पास और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 4 है। सो C1, C2, C3, C4। अभी 4/1 का क्या मतलब है, 4 रोज हैं और 1 कॉलम है, मतलब आई कैन अरेंज लाइक दिस। कितनी रोज है हमारे पास, R1, R2, R3, R4, करेक्ट। और हमारे पास कॉलम कितना है, एक ही है, C1, तो 4/1। 2/2 का मतलब क्या है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एमसीक्यू में। आपको उन्होंने कोई भी नंबर दिया एंड दे आस्क यू टू टेल व्हाट कैन बी द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब एमसीक्यू है तो पॉसिबल ऑर्डर्स तो सारे नहीं लिखेंगे वो, दे विल गिव यू हाउ मेनी आर देयर। अभी इस केस में टोटल कितने हैं, 3। ऐसे ही आपको डिफरेंट निकालने होते हैं, करेक्ट। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ टू फ्रेम अ मैट्रिक्स, करेक्ट। अगेन दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। आपको 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। 3/3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स टोटल, ओके। तो हमारा पोजीशन क्या बन जाएगा एलिमेंट्स का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, करेक्ट। अब हर पोजीशन किससे डिनोट होती है, AIJ से डिनोट होती है। आई और जे का पोजीशन हर एलिमेंट के लिए अलग होता है, करेक्ट। दिस इज व्हाट यू नो। अब उन्होंने क्या बोला है कि आप हर एलिमेंट को किससे डिफाइन कर रहे हैं, किस फॉर्मूले के बेसिस पे रख रहे हैं, i+2j/5। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आई और जे की जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होंगी, आपका एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स भी चेंज होगा, उसका वैल्यू भी चेंज होगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कैसे बनाते हैं। पहला पोजीशन है हमारा A11, A11 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। i+2j, i है 1 फर्स्ट केस में, j भी 1 है, सो 2 1s are 2 upon 5, फिक्स्ड है ये 5, तो उसमें तो i और j लगना नहीं है, तो क्या एलिमेंट बन जाता है, 3/5, नो नीड ऑफ एनी डेसिमल, दैट विल बी योर आंसर। सो दिस इज नॉट पॉइंट, दिस इज इन टू, रिमेंबर। A12 के लिए i is 1 एंड j is 2, पुट इट इन द फॉर्मूला, j को 2 रखिए और i को 1 रखिए, सो 1+4/5, तो आंसर क्या बन जाता है, 5/5, 1। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, A13, A21, A22, A23, और अब हम इन सबको किस में रख देंगे, मैट्रिक्स में रख देंगे। और हमारी मैट्रिक्स क्या है, A11 हमारा था 3/5, A12 5/5, दैट इज 1, A13 कितना है 7/5, A21 कितना है 4/5, A22 कितना है 6/5, A23 कितना है 8/5, सो 5/5 बस रिड्यूस हो रहा है, सो दैट इज 1। रेस्ट ऑल यू विल कीप इट इन फ्रैक्शंस, नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू डेसिमल्स, ओके। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। A31, A32, A33 भी हम निकाल सकते हैं, एंड देन वी कैन पुट इट इन 3/3 ऑर्डर, ओके। हमने यहाँ पे क्या बनाया अभी, 2 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स है, उसका बनाया हमने, और हमें किसका बनाना था, 3/3, तो हमें एक रो और चाहिए, तो उसके लिए A31, A32, A33 का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम उसको पुट कर देंगे। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। वी हैव बीन सीइंग, लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, उससे पहले भी आया था, हाउ टू फ्रेम द मैट्रिक्स। तो ऑप्शंस में क्या करते हैं, दे गिव यू द फाइनल आंसर।
सो दे गिव यू फोर ऑप्शंस, आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होता है. तो आप जो डिफर कर रहा हो ना स्टूडेंट्स, उस ऑप्शन को चेक करें. जो सेम है वो सेम है सब में, जो आंसर्स डिफर कर रहे हैं उनका वैल्यू निकाल के देखिए. पूरा मैट्रिक्स मत बनाइए एग्जाम में. दैट्स अ सिंपल टिप फॉर एमसीक्यू. नाउ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट. अभी हमने ऑर्डर सीख लिया, एलिमेंट सीख लिया. अब हम अकॉर्डिंग टू द माइंड मैप आते हैं नेक्स्ट पे. दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. तो हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर है. रेक्टेंगुलर का मतलब रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, आर नॉट इक्वल. नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. जैसे हमने पहला एग्जाम्पल किया 3x3 ऑर्डर का, तो 3 रोज थे और 3 कॉलम्स थे. तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर थे. तो जिसमें भी बराबर होते हैं उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना स्टूडेंट्स, आप सिंगल लेटर से भी दे सकते हैं कि यू राइट इट देयर, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. अंडरस्टूड है, स्क्वायर लिखा है तो लेंथ और ब्रेथ बराबर होंगे. इट विल हैव ओनली वन साइड, बट साइड तो 4 है ना. सो हमारे पास सारी साइड्स क्या है, इक्वल है. सो ऑर्डर इज 3. ऐसे ही आप 2x2 का बना सकते हैं एक मैट्रिक्स, जिसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का 2x2 और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. करेक्ट. अभी आते हैं रो में. रो का मतलब होता है कि आपके पास कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं बट रो एक ही होगा. आई रिपीट, अ मैट्रिक्स हैविंग एग्जैक्टली वन रो फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कॉलम्स. गिवन नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कॉलम्स आप चाहे 10 ले लीजिए बट रो 1. तो इसमें देखिए 2, 3, 4, 5, 6. अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा? रो इज सिंगल बट हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 5. कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? 5 कॉलम्स. सो हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1:5. 1 रो एंड 5 कॉलम्स. कॉलम में क्या होता है? 1 कॉलम, एग्जैक्टली 1 कॉलम फॉर अ गिवन नंबर ऑफ रोज. रोज ज़्यादा हैं, कॉलम्स एक ही हैं. सो हियर वी हैव 3 रोज horizontal lines and only one vertical, that is your C1. So what will be the order? 3x1. So order mein, column ke order mein columns, number of column is 1. Row matrix ke order mein number of rows is 1. Column aur row baki change ho jayega. Now what is diagonal matrix? Pehli to cheez ye isme jo word hai ki rectangular matrix kabhi bhi diagonal matrix nahi ho sakti. Diagonal to aap sabko pata hai but yahan thoda sa difference hai. Hai wahi diagonal, करेक्ट. कि अगर एक स्क्वायर मैंने आपको दिया तो डायगनल तो यही होता है ना, लेकिन ये भी होता है. करेक्ट, 2 डायगनल्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही डायगनल होता है. बस दैट्स अ डिफरेंस, अदरवाइज होता वही है. सो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डायगनल मैट्रिक्स. अब डायगनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें आई इज इक्वल टू जे. पहले तो ये समझ लीजिए. तो हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स होते हैं a11, a22, a33, a44, ऐसे होंगे हमारे पास. ये बोलते हैं इनको डायगनल एलिमेंट्स. इसके अलावा कोई भी डायगनल एलिमेंट नहीं होता है. तो डायगनल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगनल एंट्रीज आर 0. एंट्रीज मतलब एलिमेंट्स. नॉन डायगनल, नॉन डायगनल मतलब जिसमें i इज नॉट इक्वल टू j. ऐसी वाली जितनी एंट्रीज हैं वो सब क्या होंगी? 0 होंगी. और डायगनल पे कोई कंडीशन नहीं है. डायगनल एलिमेंट्स 0, नॉन 0 कुछ भी हो सकते हैं, बट नॉन डायगनल वाले एलिमेंट्स जो हैं, जो एंट्रीज हैं, वो क्या होंगी? फॉर श्योर 0. अब जैसे ये है, ये पोजीशन a11 है, a12 है, a21 है, a22. अब डायगनल एलिमेंट्स तो ये दोनों हुए ना. मैंने आपको क्या बताया? aij, करेक्ट, जिसमें i और j इक्वल हों, वो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं. और अकॉर्डिंग टू डायगनल मैट्रिक्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स ये दोनों हुए, और इन दोनों को क्या होना कंपलसरी है? 0. तो ये डायगनल मैट्रिक्स है. अब ये एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में वो आपको एक मैट्रिक्स देते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन दे गिव यू द ऑप्शन ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है. सो पहले तो ये देखिए कि डायगनल मैट्रिक्स में फर्स्ट कंडीशन क्या, इट हैज टू बी स्क्वायर. तो सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो हटा दीजिए ऑप्शन से, या फिर वो देते हैं विच वन ऑफ दीज इज डायगनल मैट्रिक्स, तो आपको वो चेक करना है. यहाँ पे सिर्फ एक डायगनल होगा क्योंकि a11, a22, a33 और बाकी सब नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं, तो उन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए. डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है?
Now let's move on to the next, scalar matrix. Scalar matrix diagonal matrix है. अब diagonal matrix होने के लिए उसको square matrix भी होना पड़ेगा. So the point for scalar matrix is कि वो square matrix भी है, diagonal matrix भी है, correct? और फिर उस पर आप एक special condition लगाना. So diagonal matrix having same diagonal elements. So A11, A22 का value same है, A11, A22, A33 का value same है. बाकी सब एलिमेंट्स जीरो क्यों दिख रहे हैं आपको? क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है. सो डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स. ए आई जे इज के व्हेन आई इज इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, करेक्ट? एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स फॉर श्योर जीरो, तब वो बनेगी स्केलर मैट्रिक्स. अभी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x2, और आप सिर्फ बोल सकते हैं 2 ऑर्डर. इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3x3, या फिर आप सिर्फ बोल सकते हैं ऑर्डर 3. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आई वुड से टू सम एक्सटेंट इट्स लाइक अ वन इन अवर अरिथमेटिक. वन क्या होता है? किसी नंबर को आप अगर वन से मल्टीप्लाई करें, ओके, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से पढ़ा है ना आपने. सो ए इंटू वन इज ऑलवेज ए. सेम थिंग इज हियर. अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आवर आंसर विल बी मैट्रिक्स इटसेल्फ. ओके, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू वन. सो 1 0 0 1, ये हो गया 2 ऑर्डर का डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओनली एलिमेंट 1, तो ये A11 पोजिशन हुआ ना, तो ये डायगोनल एलिमेंट ही हुआ, तो इसका भी वैल्यू क्या है? 1. तो ये हो गया ऑर्डर 1, ये हो गया ऑर्डर 3. ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे I से. कई बार आप देखेंगे I2 लिखा होता है क्वेश्चन में, I3, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी यूज्ड अ लॉट इन द क्वेश्चंस. सो 1 0 0 1 टू ऑर्डर का है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट. जीरो मैट्रिक्स मींस इट्स अ नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको हम, इन विच ऑल द एलिमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायगोनल, नॉन डायगोनल एंड ऑल, इट इज ऑलवेज जीरो. क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है? नो. अब मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि रेक्टेंगुलर होना है, स्क्वायर होना है, कुछ भी हो सकता है, बस सारे एलिमेंट्स क्या हैं उस मैट्रिक्स के? जीरो. इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, करेक्ट? नाउ इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन स्मॉल छोटा सा कॉन्सेप्ट, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स. ओके, एंड अनदर प्रॉपर्टी, टू प्रॉपर्टीज है. ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ. अब व्हाट इज दिस? इसका मतलब है, सपोज मैंने आपको एक ए मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4, करेक्ट? एक बी मैट्रिक्स दिया. अब मैंने आपको ये कंडीशन दी है कि ए इज बी इक्वल टू बी, दिस इज गिवन टू यू. अब आपको फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू. हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, पहले तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, क्लियर है, क्योंकि ऑर्डर सेम है. Now the each element of A is equal to the corresponding element of B. तो इसका जो A11 है वो इसका भी A11 से इक्वल होगा. So 1 और X सेम पोजिशन पे हैं, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब वो इक्वल मैट्रिक्स है. 2 और Y सेम पोजिशन पे, corresponding positions पे. So Y का वैल्यू कितना हो गया? 2. बाकी आपके पास दोनों वैल्यूज ऑलरेडी इक्वल गिवन है, करेक्ट? So, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है? 2. इसी के लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी कोट किया है. देखिए, ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं, तो 1 तो 1 से कंपेयर होगा, इक्वल है. 2a किससे कंपेयर होगा? -6 से, करेक्ट? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a नाउ? a इज -3, -8, -8 के इक्वल. अब b प्लस 1 किससे कंपेयर होगा? b प्लस 1 कंपेयर होगा 13 से. सो b का वैल्यू कितना हो गया? 12. So this is how you take up the values for the equal matrix. Again, very important question for board exams. बहुत आता है question exam में. Now, same, this is again very important example. Correct?
सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन वी हैड इन बोर्ड एग्जाम सिंस लास्ट 2 ईयर्स. अब आपके पास यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे. अभी देखिए 4 किसके इक्वल है 2a + b के, 24 किसके इक्वल है 4c + 3d के, हमारे पास -3 किसके इक्वल है a - 2b के, और 11 किसके इक्वल है 5c - d के. अब आप साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर करेक्ट. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें a और b का वैल्यू आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो c और d का वैल्यू आ जाएगा करेक्ट. सो दिस इज हाउ डू वी सॉल्व इट. इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए. सो 5 = 5a. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1. a अगर 1 है तो b का वैल्यू क्या होगा, पुट इट हियर. सो -3 = 1 - 2b. सो व्हाट विल बी a? b विल बी 2. सेम वे वी कैन फाइंड c एंड d. चलिए उनका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं. सो दे हैव आल्सो फ्रेम 4 इक्वेशंस एंड देन दे हैव गिवन यू द आंसर्स फॉर 1 a as 1 b as 2 CS3 and DS4. जरूरी नहीं है 1, 2, 3, 4 आ यहाँ पे आ रहा है इस क्वेश्चन में. क्लियर? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस. ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज ए. टिल देन अंडरस्टैंड इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी. आई वॉन्ट एवरी वन टू स्कोर फुल. ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एवरी वन.